हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास कान्हा जी का ये ड्रेस लेकर आई हूँ। ये ऊन से बनाया गया है और हम आपको धागे से बता रहे हैं। धागे में चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चोली पूरा बना लेने के बाद में, कंप्लीट कर लेने के बाद में ये दो लाइन हम ये एक और एक दो दो लाइन प्रत्येक चेन में एक चेन से डबल करते हुए हम दो लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इसके बाद हमें इस तरह का बनाना है जो कि 10 चेन के बाद बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 चेन है, देखिए यहाँ पर 10 चेन ले चुके हैं। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर बनाएंगे। ये चेन हम 14 लेंगे। चौदह चेन ले लेने के बाद में हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर लाकर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब फिर हम 10 चेन बीन लेंगे, यानी 10 डबल क्रोशिया हम 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया बीन लेंगे। ये हो गया एक, आठ, ये नौ और ये रहा 10। 10 डबल क्रोशिया बुन लेने के बाद में हम उसी तरह 14 चेन यहाँ पर जिस तरह से बनाए हुए हैं उसी तरह बनाएंगे। एक दो तीन चार, तीन तीन है, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे इस तरह से। फिर 10 चेन हम बना लेंगे। नौ और ये रहा 10। हम इस जगह से बनाना शुरू किए हुए थे और पूरा गोलाई बनाते हुए 10 चेन यहाँ पर फिर हम कंप्लीट कर लिए। अब हम इसे फिर यहाँ पर हम 14 चेन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब इसे हम यहाँ पर ला करके जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम इसे भी आपस में यहाँ जोड़ देंगे। देखिए ये हो गया। अब हमें फिर ये चीज़ बनाना है, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ हमें बनाना है। तो इसके लिए हम इसे पलट लेंगे, सीधा तरफ से नहीं बनाएंगे हम, उल्टा तरफ अपनी ओर उल्टा पोर्शन कर लेंगे हम। इसके बाद इसे बनाना शुरू करेंगे। तीन चेन सबसे पहले हम ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पर से ये जो है इसमें हम 14 हम चेन लिए हुए हैं तो हम करीबन 18 डबल क्रोशिया इसमें करेंगे। दो तीन चार पाँच छः
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अब अठारह कर लेने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि और देना चाहिए, यहाँ पर कुछ घना नहीं हुआ है, तो आप 20 कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी और कुछ देंगे, यानी कि हम 20 कर लेते हैं। 18 हुआ, 19, 20 और 2 हम ज़्यादा कर लेते हैं, 1, 2। अब हम देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस जगह पर हुक को डालेंगे, यहाँ पर और इसमें हुक को डालेंगे, इसे टाइट करते हुए इधर से हम धागे को निकाल लेंगे, फिर फंदे लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बन गया आपका, ये चीज़ आ गया। अगर आप ऊन से बनाएंगे तो यही कुछ आकृति में अलग दिखेगा। अब इसके बाद हमारे पास जो यहाँ है, हम ये एक दो तीन चार, चार हो गया। अब देखिए, अभी साइड से भी 1, 2, 3, 4 बचा हमारे पास, दो बीच में। तो चार के बाद हम इस जगह पर डालेंगे हुक को, यहाँ पर हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी स्थान पर एक और डबल क्रोशिया और दो चेन। ये हो गया। अब इधर बचा हुआ जो है हमारे पास, इसे हम बुन लेंगे। अब हम फिर इसमें 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग कलर भी दे सकती हैं। उन्नीस और ये रहा 20। इसके बाद फिर हम इसे इस स्थान से और यहाँ हुक को डालेंगे,
और इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से हम पूरा लाइन कंप्लीट कर ले। हम इसमें आपको कुछ में बतला रहे हैं, जैसे कि सिर्फ दो फूल में बतला रहे हैं, ये यहाँ तक हम बनाए हैं। अब आप ये फूल को, जैसे इसमें हम तीन फूल बनाए हुए हैं, तो अगर आप चाहती हैं अलग अलग कलर में बनाना तो आप अलग कलर से बना सकती हैं, जैसे कि हम इसमें बता रहे हैं अलग कलर। हम ये फूल यहाँ तक जब आने के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो धागे को आप दूसरे कलर धागे को आप जोड़ लें। जोड़ने के बाद फिर तीन चेन ले लिए, अब यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। जब हम ये चीज़ बनाएंगे, जब हम इस पलट कर जब इस लाइन में आएंगे हम, तो सीधा इसे कर लेंगे, अपनी ओर सीधा कर लेंगे, इसके बाद बुनेंगे। जैसे ये बुन लेने के बाद में बीच में हमें प्रत्येक बार दोनों पने की, यानी कि प्रत्येक लाइन में हमें ये चीज़ बनाना है ताकि फंदा बढ़ता जाए। इस तरह से एक ही जगह से दो चेन लेकर ये चीज़ हम बना लेंगे। यहाँ तक बुन लेने के बाद में अब हम फिर 14 चेन बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 3 है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे ताकि अगली लाइन में हमें फिर इसी जगह पर फूल को बनाना है। फिर हम बुनते चले जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाना है, एक ही जगह से दो डबल क्रोशिया करना है। एक हो गया, अब दो चेन लेंगे, फिर इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया, फिर जितना भी चेन है उसे हम बुन लेंगे। अब हम फिर इस जगह पर 14 डबल क्रोशिया करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इसे यहाँ लाकर हम बंद कर देंगे। इस तरह से अब चूंकि यहाँ हम और बुने नहीं हैं, तो इस तरह से पूरा आप इस राउंड को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जब फिर पलट कर आइएगा तो आप इस तरह से पलट लीजिएगा, इसे उल्टा तरफ का पोर्शन आपकी ओर होना चाहिए, और फिर आप इस तरह से बुनना शुरू कीजिएगा। यहाँ पर आप 20 चेन इसमें बुन लीजिएगा, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए इसे बुन लेंगे, फिर यहाँ पर 20 चेन बुनेंगे, फिर यहाँ पर इसी तरह से आप बनाते चली जाएंगी।
तो आपका ये चीज़ तैयार हो जाएगा। जैसे कि देखिए, हम तीन बार यहाँ पर किए हुए हैं, ये रहा बीच से, हमें यहाँ पर बीच से हम फंदे को बढ़ाए हुए हैं, डबल क्रोशिया को बढ़ाए हुए हैं, और फिर ये चीज़ देखिए, ये चीज़ तीन बार बुने हुए हैं। जब तीन आ गया तो इसे हमें इस तरह से इसके अंदर की ओर अंदर डालकर इसे इस तरह से निकालना है, और फिर इसे अंदर डालकर इस तरह से निकालना है। अब आप इसे जितने बड़े कान्हा जी का बना रही हैं तो और भी लगेगा इसमें, तो और लंबा बनाएं। ये छोटे कान्हा जी का है, तीन नंबर के, तीन से चार नंबर के कान्हा जी का है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखिए, ये चीज़ हो गया। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पर हम मिड़ दिए हैं, एक डबल क्रोशिया यानी देखिए किस तरह से हम यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक बार इस तरह फंदे को लिए और इसमें इस तरह से डाले और निकाल दिए। बस इसी चीज़ को हम करते चले गए हैं जितना भी है टोटल, टोटल में सिर्फ हमें बीच में देखिए किस तरह से करना है। ये तीन हो गया, ये चार हो गया। जब आप पूरा बीन लेंगे तब इसे लास्ट में आउटलाइन दीजिएगा कोई भी विपरीत कलर से। ये हो गया। अब इस जगह में हम देखिए किस तरह से किए हुए हैं। यहाँ पर हम दो बार, ये रहा एक और ये रहा दो, इसके बाद फिर दो चेन ले लिए हैं, फिर हम एक और एक दो इस तरह से बनाए हुए हैं, तो ये कोना निकल जाएगा इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर किस तरह से ये चीज़ हम बनाए हुए हैं। यहाँ सुई धागा की मदद से बनाए हुए हैं। इसी कलर से देखिए हम आउटलाइन यहाँ गले पर भी दिए हुए हैं। आप चाहती हैं तो बाँह पर भी दे सकती हैं। बाँह मुझे इसी तरह अच्छा लग रहा था इसलिए हम इसी तरह रहने दिए हैं, पर बाँह में भी दे देंगी तो अच्छा लगेगा। इसके बाद फिर ये दोनों को मिलाते हुए, जैसे ये दो है, एक इधर, ये दोनों को हम इस तरह से कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे। अब इसे हमें दोनों को मिलाकर सिलना है। जैसे कि यहाँ हम इस तरह से एक पर एक इस तरह से डाल लेंगे जैसा इसमें किए हुए हैं। सुई धागा ले लेंगे हम, यानी धागा ऊन हम लिए हुए हैं धागे की जगह पर, और देखिए इसे हम इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हम सुई को डालेंगे। और हम इस जगह पर इस तरह से एक बार निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हम सिल चुके हैं। अब हमें फिर इस जगह से ऐसे सुई को निकालना है। निकाल लिए, फिर हम इसमें धागे को लपेटेंगे सुई पर, यानी ऊन है हमारे पास, धागा नहीं है। आप कुछ लपेटें इस तरह से, ये हो गया। अब हम इसे निकाल देंगे। सुई को हम निकाल चुके हैं, इसे टाइट कर देंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ पर सुई को, इस जगह पर सुई को डालेंगे और इसे एक बार और टाइट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से बन गया। अब ये इस तरह से बन जाने के बाद में धागे को हम सुई को ऊपर की ओर लाएंगे यहाँ, और इसमें कोई भी मोती जो आप डालना चाहती हैं, हम इसमें छोटा सा मोती डाले हुए हैं, इस तरह से मोती को डाल लें और इस जगह पर सुई को अंदर की ओर
इस तरह से आप कर लें, जैसा कि हम सब जगह किए हुए हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, अभी यहाँ एक बचा हुआ है, तो हम इसी तरह से धागे से बना लेंगे, ऊन से ये चीज़ बना लेंगे, और एक जो मोती है मेरे पास, इस मोती को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये आपका कान्हा जी का पोशाक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे ऊन से बना सकती हैं, ऊन से बनाने पर ज़्यादा आकर्षक लगेगा, धागा से भी आकर्षक लगेगा, लेकिन मेहनत कुछ ज़्यादा है धागा में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।